गाइस ये है शाओमी की तरफ से स्मार्टफोन जो उन्होंने अभी हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया है, और ये है रेडमी नोट 11T 5G। और इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 16999 से। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसको दबा दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और गाइज जो वेरिएंट है ये है 8128। मेरे को ब्लैक नहीं मिला, मेरे को ब्लैक नहीं मिला, मेरे को दूसरा कलर चूज़ करना, लेकिन चूज़ करने नहीं दे रहे थे। चलिए बॉक्स वॉक खोल गए थे, मैं तो स्टिकर है उसको नहीं काटूंगा। और ये गाइज खोला, सबसे पहले क्या मिलता है गाइज, हमको पावर्ड बाई रेडमी लिखा रहता है, और इसमें ऑब्वियसली बात है यहाँ पे केस होगा और पिन होगा। ये देखिए यहाँ पे पिन है और ये इनका केस है, और ये कुछ है पता नहीं क्या है। एज यूजुअल ये ट्रांसपेरेंट केस है, पता क्या करेगा, काफ़ी अच्छा है, सिलिकॉन है, काफ़ी दिन तक चलता है। इसको साइड में रखते हैं, और ये रहा हमारा फ़ोन, फिलहाल इसको भी साइड में रखते हैं, और बॉक्स में कंटेंट्स और क्या देखते हैं। इसको पकड़ के उठाने के लिए है गाइस, ये है चार्जर, 33 वॉट का फास्ट चार्जर यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाई भी देगा, दिख रहा है वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्ट्स लिखा हुआ है, सब लिखे हैं, और यूएसबी टाइप, हाँ गाइस टाइप सी है, ये देखिए टाइप सी है। चलिए फोन को देखते हैं, मैट, ओके ये निकालते हैं। और गाइस ये रहा हमारा फ़ोन गाइस, शाइनी मैट ब्लैक में है, और गाइस सामने कोई प्रोटेक्शन, हाँ गाइस इसमें दिया गया, जैसा कि आपको दिख रहा है ये इसमें सामने वो दिया गया है। और गाइस जो बैक है इसका ये पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक है, और साइड का जो फ्रेम भी है ये भी पॉलीकार्बोनेट है। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया गाइस, 5G मिल रहा है आपको अंडर 20,000, तो आपको प्लास्टिक बैक ही मिलेगा, और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में ना, प्लास्टिक से अच्छा लगता है, इसलिए पॉलीकार्बोनेट बोला जाता है। और गाइस ये रहा इसका कैमरा, 50 मेगापिक्सल का, जैसा कि आपको दिख रहा है। गाइस अभी बूट अप करके सेटअप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8105G 6 नैनोमीटर ऑक्टाकोर बेस्ड प्रोसेसर है, और इसका जीपीयू जो है माली G51 MC2 है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 है, और 5G की बात करें तो इसमें 7 5G बैंड्स दिए गए हैं। रैम कॉम्बिनेशन जो आता है वो 664 है, 6128 है और 8128 है, और स्टोरेज जो यूज़ किया है UFS 2.2 स्टोरेज यूज़ किया गया है। और स्क्रीन की बात करें तो 6.6 इंचेस का फुल HD+ का डिस्प्ले है, IPS LCD है, और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है इसमें। और पिक्सल पर इंच की बात करें तो 399 का डेंसिटी है, और जो सामने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। और गाइस इसमें डुअल सिम है, डुअल नैनो सिम है, और डुअल स्टैंड बाई है, मतलब दोनों में आपको 5G स्टैंड बाई मिलेगा, और IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। कैमरे की बात करें तो शाओमी ने इस बार नंबर ऑफ कैमरास यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ 2 ही कैमरा यूज़ किए हैं, 50 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का 26mm वाइड लेंस के साथ यूज़ किया गया है, और जो अल्ट्रा वाइड है वो 8 मेगापिक्सल का है, 119 डिग्री का। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का F2.5 वाइड, ये भी वाइड अपर्चर के साथ आपको मिलता है। और गाइस स्पीकर्स की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर्स है, और इसमें 3.5mm जैक भी दिया गया है। और सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट है जो कि साइड माउंटेड है, प्लस वो लॉक बटन भी है, और एक्सेलेरोमीटर भी है, जायरोस्कोप भी है, और कंपास भी है इसमें। और बैटरी की बात करें तो लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ किया गया है, जो कि 5000 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, जो करीब करीब आपका 60 मिनट्स में फुली चार्ज फोन को कर देता है। ये तो स्टीरियो स्पीकर्स और ये स्पीकर्स के वेंट्स हैं, और गाइस ये माइक है, और ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक, ये जो दिख रहा है ये है गाइस इंफ्रारेड, जो कि शाओमी के हर एक डिवाइसेस में रहता है इंफ्रारेड। आप इससे AC TV आप कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो जो आपके रिमोट से आप जो जो कंट्रोल करते हो वो सभी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस ये है जो वेरिएंट है, ये है मैट ब्लैक, जो कलर है मैट ब्लैक है। इसके अलावा 2 ऑप्शन आपको और मिलेंगे, और वो है एक्वामरीन ब्लू और स्टारडस्ट वाइट, तीनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 16999 में आपको 664 मिलेगा, और 17999 में आपको 6128 मिलेगा, और आपका 19999 में 8128 आपको वेरिएंट मिलेगा। और गाइस मैंने फाइनली इसको सेटअप कर लिया है, और यहाँ पे ब्लोटवेयर का बात करें तो इसमें अगर आप जीपे को बोलते हैं तो एक जीपे डला हुआ है, और नेटफ्लिक्स को बोलते हैं तो वो डला है, MI पे इनका तो रहेगा ही रहेगा। और इधर पे मोर ऐप्स में जाएंगे तो आपको ये जो है MOG ये आपको मिलता है ब्लोटवेयर। बाकी लिंक्डइन को चाहिए तो रखिए अनइंस्टॉल के, प्राइम वीडियोज़ और फेसबुक मिलता है, और अमेज़ॉन भी मिलता है आपको इसमें। मी क्रेडिट को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्या, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने कर दिया। MI पे को इसको आप नहीं कर सकते अनइंस्टॉल, MI पे को। तो गाइस ब्लोटवेयर के नाम पे एक दो चीज़ें ही हैं, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, और क्लीन है,
सही है गाइस। और गाइस आजकल जो बजट फॉर मोबाइल्स में एड्स की बात करी जाती है गाइस, इसमें आप जब इसको सेटअप करेंगे फिंगरप्रिंट के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि एडिशनल सेटिंग्स करके, इसमें आपको लोकेशन सेंड यूजेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा पर्सनलाइज एड्स, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप चालू ऑफ कर दीजिए, आपको एड्स बंद हो जाएंगे। सो गाइस हमको ये ऑप्शन मिलता है आजकल हर एक मोबाइल में, बजट मोबाइल्स में, कि हमको पर्सनलाइज एड्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गाइस आप इसे आप ऑफ कर सकते हैं एड्स को। और गाइस इसमें रैम बूस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप 3 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, और आपके फ़ोन में स्टोरेज अवेलेबल रहना चाहिए तभी ये एक्सटेंड कर पाएगा रैम को 3 GB तक। और गाइस ये वर्चुअल रैम होता क्या है, जैसे कि अभी इसमें 8 दिया है प्लस 3 GB का एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम यूज़ किया गया। तो गाइस रैम का ऐसा रहता है कि सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपना एक रैम हर समय वो कंज्यूम करके ही रखता है, और आप जो ऐप इंस्टॉल करते हैं और जो प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं उन लोग भी अपना ऐप रैम जो है रैम को लेके रखते हैं कि उनको रन करने के लिए, और ये बैकग्राउंड में चलते रहता है। तो जैसे जैसे आप ऐप लोड करते जाते हैं तो उनको रन करने के लिए रैम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस अगर आपको ज़्यादा ऐप लोड करने का काम करने का, जैसे फ़ोन पे अगर ज़्यादा आप ऐप रखते हैं तो उस चीज़ को फ्लूइड बनाने, फ्लूइड मतलब स्मूथ चलने में काम करता है, ज़्यादा रैम होने से फ्लूइड चलने का, जैसे कि आपने 8 GB जैसा यूज़ हो गया, अगर उसके बाद एक और आप एक और ऐप खोलते हैं तो एक ऐप को वो किल कर देगा रैम से। तो ये वर्चुअल रैम जो है उस चीज़ को हेल्प करता है, जो वो किल करने के बजाय उस जो बैकग्राउंड में ऐप है उसको वो वर्चुअल मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, जो आप करंट ऐप है उसको नॉर्मल ऐप और नॉर्मल रैम में जो 8 GB रैम है उसके अंदर रखे रहेगा। तो गाइज ये काम आता है वर्चुअल रैम का, आपका हैवी टास्किंग में स्मूथ स्मूथ आपका काम करे, हैवी टास्किंग में, हैवी टास्क में या मल्टी टास्क आप बोल सकते हैं, तो ये उसमें काम आता है और आपको बहुत हेल्प करेगा वर्चुअल रैम। ये था गाइज वर्चुअल रैम जो एक्स्ट्रा भी इसमें दिया गया, टोटल 11 GB, 8 GB, 3 GB। और गाइज ये है इसका फ्रंट कैमरा, जैसे कि अभी आपको देख रहे हैं, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक ही है गाइज, बढ़िया फ्रंट कैमरा है, लाइटनिंग बहुत अच्छा है रूम में तो अच्छा ही आया है। और गाइज अभी इसके दोनों कैमरे से मैं आपको सैम्पल्स दिखा रहा हूँ। गाइज ये है नॉर्मल मोड इंडो लाइटिंग में, ये भी नॉर्मल मोड है, इंडो लाइटिंग है गाइज, और ये गाइज अल्ट्रा वाइड है, और ये आपका 1x है और ये 2x है, ये नॉर्मल मोड है। अभी पोर्ट्रेट मोड आएगा और ये ह्यूमन सब्जेक्ट पे पोर्ट्रेट मोड है। गाइज ये रूम के लाइट में लिया गया है और ये आर्टिफिशियल लाइटनिंग में है और ये आउटडोर है। गाइज 4-5 बजे ये मैंने लिया है इसको, डायनेमिक रेंज भी ठीक ही है, कुछ दिन में कंपेरिजन करेंगे पता चल जाएगा। गाइज ये एकदम सनलाइट में है, ये है सनलाइट में पोर्ट्रेट मोड, फ्रंट फ्रंट कैमरा से है। गाइज ये नाइट का नॉर्मल मोड है, ये नाइट पोर्ट्रेट है फ्रंट कैमरा, ये क्लोजअप शॉट है नाइट मोड में, और ये स्क्रीन फ्लैश के साथ है, ये अल्ट्रा वाइड है नाइट मोड में, ये 1x है नाइट में, अल्ट्रा वाइड 1x। वीडियो क्वालिटी एंड स्टेबलाइजेशन मैं अगले में आपको दिखा रहा हूँ। गाइस कॉलर पे माइक है उसमें मत जाइएगा, एक्चुअली वो कनेक्टेड नहीं है, वो मैंने निकालना भूल गया, तो थोड़ा कंसीडर करिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है अभी मैं फेस पे धूप आ रहा है, देखिएगा बताइएगा कैसा लग रहा है करके। गाइस ये अभी इसका स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं, मैं अभी वॉक कर रहा हूँ तो कैसा दिख रहा है, देखिएगा सही है कि नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ये इसके माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बताइएगा बिल्कुल कि कैसा लग रहा है आपको ये कैमरा। गाइस मैं एक और सैम्पल दिखा देता हूँ। गाइस मैं अभी टॉप में आ गया हूँ तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, कैसा स्टेबलाइजेशन है बताइएगा। गाइस बैकग्राउंड में आई होप कि डायनेमिक रेंज भी ठीक ही है, और मैं भी वॉक करता हूँ, ओके मेरी वॉक स्पीड। और अभी आपको कैसा सुनाई दे रहा है बताइएगा, माइक कैसा है, और देखिए और ये हैंड हेल्ड ही है, हाथ से पकड़ा हुआ, और ये अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है गाइस स्टेबलाइजेशन ठीक ही है। सो गाइस दिस वाज द कैमरा एंड वीडियो क्वालिटी ऑफ रेडमी नोट 11T 5G। अब गाइस अभी अपने कैमरा देखा, पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा है, एक्सट्रीम सनलाइट में भी अच्छा है और नाइट में भी अच्छा है, थोड़ा कंपैरिजन बाद में करेंगे, लेकिन अभी जितना मैंने आपको दिखाया, मैंने जितना देखा इंडोर और उसमें डिसेंट कैमरा गया, ऐसी कोई इशू वाली बात है नहीं। और गाइस इसका जो वीडियो का एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो फ्रेम है, फ्रेम जो है वो थोड़ा जूम इन कर लेता है, क्यों, स्टेबलाइजेशन के चक्कर में। जैसे आप फोटो खींचते हैं जितना आपको एरिया ऑफ फ्रेम में जितना मिलता है एरिया मिलता है, एरिया कवर करता है, जैसे आप वीडियो में स्विच करेंगे तो थोड़ा जूम इन कर लेगा ताकि वो आपको स्टेबलाइजेशन दे सके, जितना एरिया हिलेगा वो उतने का नहीं दिखा के सिर्फ उतना ही रहे। और ये बहुत सारे आजकल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरर्स ऐसे कर रहे हैं कि थोड़ा वीडियो में जूम इन कर लेते हैं ताकि इसको स्टेबलाइजेशन सही दिखे करके, एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से थोड़ा कट जाता है साइड के एरिया। तो गाइज ये था इसका कैमरा रिव्यू, डिसेंट कैमरा है, अच्छा कैमरा है, आपने देखा इमेजेस आप पॉज करके वीडियो पॉज करके देखिए समझ में आएगा आपको। और गाइज डिस्प्ले की बात करें तो बहुत बेहतरीन डिस्प्ले है, एमोलेड नहीं मिलता आपको, IPS मिलता है, लेकिन जो IPS LCD यूज़ किया गया है बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, आपको कलर्स बहुत वाइब्रेंट शार्प मिलते हैं। और गाइज ये क्वाड HD सपोर्ट करता है, अभी जो चल रहा है 2560 x 1440 चल रहा है 60 FPS पे,
4K आपको सपोर्ट नहीं करेगा इसका स्क्रीन, लेकिन गाइस फिर भी 1440 बहुत है 60 FPS पे, और कलर और बहुत शार्प है, बेहतरीन दिखेगा आपको। डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम और इश्यू कंप्लेन नहीं आने वाली है, कलर्स भी पंची है जैसा कि आप बोलेगा। और गाइस ट्रस्ट मी, ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। और गाइस इसमें जो मोटर यूज़ किया गया है हैप्टिक फीडबैक के लिए, बहुत बेहतरीन यूज़ किया गया है। गाइस जो इनके 11 सीरीज अभी आए हैं शाओमी के, उसमें जो एक्स लीनियर वाइब्रेशन मोटर है वही इसमें भी यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा फील आपको देता है। और जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ग्लास में आप टाइप कर रहे हो, और वो साउंड भी वैसे ही करते हैं, आपको फील भी आएगा और साउंड भी वैसे ही करते हैं कि आप ग्लास में टाइप कर रहे हैं। वैसे अपन टाइप तो ग्लास ही में कर रहे हैं, फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है गाइस, बढ़िया लगता है, हैप्टिक फीडबैक बहुत अच्छा है। गाइस मैंने इसमें गीक बेंच स्कोर भी चेक किया सिंगल और मल्टी कोर का, तो गाइस ये रिजल्ट आया सिंगल में आपको 599 और मल्टी कोर में 756, डिसेंट स्कोर है गाइस, बढ़िया है। 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर 810 है मीडिया टेक इसमें, तो काफ़ी डिफेंस डिसेंट स्कोर किया है। मैंने बेंच मार्क भी टेस्ट किया है, इंटरव्यू बेंच मार्क टेस्ट भी किया, और 3.5 लाख का स्कोर आया, काफ़ी बढ़िया स्कोर आया इसका जैसे कि आपको दिख रहा है। और इसके ये चेक करते हैं बीच में टेम्परेचर रेज जो हुआ है वो 3 डिग्री का रेज है, और 7% बैटरी इसका यूज़ हुआ है, तो गाइस हैवी टास्किंग में थोड़ा हीट अप तो हो गई है, और डे टू डे में आपको कोई परेशानी आने की ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा आपको इसके साथ। और गाइस इसमें मैंने सीपीयू का थ्रॉटल टेस्ट भी किया है, जैसे कि आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस मैक्सिमम काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, बहुत कम ही ड्रॉप हुए हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत कम ही ड्रॉप हुए हैं, काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है, तो ये भी एक अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। और गाइस इसमें एक और जो Wide 1 L1 है उसका भी मैंने चेक किया है, और गाइस ये देखिए इसमें नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको L1 का आपको सपोर्ट है। गाइस ये है इसका स्टोरेज का रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट, आपके सामने दिख रहा है आपको, इसमें UFS 2.2 स्टोरेज यूज़ किया गया। गाइस शाओमी का एक प्रॉब्लम था कि उसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर जब कॉल आने के समय ढंग से काम नहीं करता था, तो गाइस अभी ऐसा करूँगा तो नहीं आएगा, इसके सेंसर इतने अच्छे हो गए कि मैं ऐसे जैसे आप कान पर लगाते हैं ऐसे रख रहे हैं, उसके बाद आप ऐसा करेंगे तो ये बंद हो गया, देखिए ऐसे करेंगे तो मैं अभी जैसे शूट करने के लिए कर रहा हूँ तो ये ऐसे बंद नहीं होगा, इसको पता चले कि मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है हाथ में पाम में अपने, तो अभी मैं ऐसा करूँगा और अब करूँगा तो ये देखिएगा। तो गाइस उन्होंने अपना ये प्रॉब्लम फिक्स कर दिया, बहुत अच्छी बात है गाइस। और गाइस इसमें आपको वॉइस ओवर वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा लोगो आ जाएगा, जैसे आप इसको हटाते हैं देखिए हटाते हैं तो ये वॉइस ओवर हट जाता है, जैसे वाईफाई से कनेक्ट हुआ क्लियरली विजिबल है वॉइस ओवर वाईफाई लिखा हुआ है। और गाइस इसमें BGMI में आपको जैसे गेम सेटिंग्स में ग्राफिक्स में देखेंगे तो आप इसमें स्मूथ और अल्ट्रा तक ही जा सकते हैं, जैसा कि आपको देख रहा है स्मूथ और अल्ट्रा। गाइस ये प्रोसेसर जो है ये आराम से आपको एक्सट्रीम 60 FPS दे सकता है, लेकिन ये लोग गेम वाले देते नहीं हैं एक्चुअली, ये प्रोसेसर इजीली 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, ये इजीली सब कुछ हैंडल कर सकता है जैसा कि आपको देख रहा है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ है, कोई इश्यूज़ नहीं गए। और गाइस थोड़ा तो हर एक मोबाइल जैसा कि हीट होता है, ये भी हीट हो गई कम से कम अराउंड 5 डिग्रीज पर इंक्रीज़ होगा हैवी गेमिंग में, आपको ऐसा कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं है जो हीट नहीं होता है। और गाइस इसका जायरोस्कोप देखिए, जायरोस्कोप देखिए नमस्कार आपको, बढ़िया है, ये देखिए यहाँ घुमाएंगे ऐसे, कोई इशू नहीं है गाइस। गाइस जो वार्मनेस फील हो रहा है वो इस एरिया पे, इतने एरिया पे मतलब हल्का वार्म तो फील हो ही रहा है गाइस, ठीक है गाइस वैसे कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, काफ़ी अच्छा ही है। कुछ यहाँ इसको ठोक पटक के अभी तो काफ़ी अच्छे से पटक के टेस्ट किए, फिर आगे जाके और पटक के टेस्ट करेंगे, कंपैरिजन जल्दी आने वाला गाइस, ओके तो बने रहेगा। और गाइस इसमें मेजर एक और मेरे को जो मेरे लिए एक कॉन लगता है वो है इसमें नो नोटिफिकेशन लाइट, गाइस इसमें देखिए कहीं पे भी आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं दिखाई देगा, कहीं पे भी आपको यहाँ कहीं पे भी नोटिफिकेशन लाइट कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। गाइस मेरे लिए ये एक कॉन है, क्योंकि नोटिफिकेशन लाइट ये छोटा सा नोटिफिकेशन लाइट तो बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा ये प्रॉब्लम करता है, 20,000 के फ़ोन में एक छोटा सा नोटिफिकेशन लाइट रहने से क्या ही प्रॉब्लम हो जाता है। सो गाइस ये था मेरी तरफ से फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग और फर्स्ट सेल यूनिट का रिव्यू, मतलब इसका गाइस, ये है रेडमी नोट 11T 5G। गाइस बढ़िया फ़ोन है, डे टू डे यूजेज में आपको कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले, अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर मिड रेंज वाला आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छे परफॉर्म्स को भी करता है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि बताया एक दो चीज़ें कि नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, वो थोड़ा होना चाहिए था, वो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट वही था, बाकी सब तो थोड़ा मैनेज हो ही जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन लाइट तो ज़रूरी था। सो गाइस कैसा लगा आपको इसका रिव्यू बताइएगा, ये मेरा फर्स्ट रिव्यू था, फर्स्ट मोबाइल रिव्यू था,
मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की गाइस। अभी और आएंगे, थोड़ा और कंपैरिजन आएगा एक फ्लैगशिप और इसके साथ का, और कंपैरिजन आएगा, चैनल में बने रहिएगा। और गाइस अगर अभी तक बने हुए हैं और अभी तक आप वीडियो देखें तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, कोशिश करेंगे इंप्रूव करने के लिए। और चैनल में बने रहिए गाइस। सो गाइस मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, टेक केयर गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।